को 2 साल बंद करो, बंद करो, बंद करो। 25-35 का ड्यूटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 25-35 का ड्यूटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। पर्यावरण के हत्यारों को सजा मारो, सालों को। पर्यावरण के हत्यारों को सजा मारो, सालों को। एसीसीएल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूस्थापित को 2 साल बंद करो, बंद करो, बंद करो। 25-35 ड्यूटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया है जब भी कोई मन के अपन दलाल है, दलाल बनना या विधायक बनाना बंद करो, ये दलाल बनना संसद में भेजना बंद करो, चाहे यहाँ से अमर मुद्दा लेके संसद भवन में उठा नहीं सके, और इसे दलाल बनना विधायक बनाना बंद करो, केवल हमारे क्षेत्र के मुद्दा ला विधानमंडल में नहीं उठा सके। ऐसे कोड़िया ऐसे निशक्ति दलाल मन के मतलब चुन के भेजना क्षेत्र के जनता वाला बंद। ये देश के ऑक्सीजन क्षेत्र फंसते वारंटी लगी है कोल इंडिया उजाड़े के काम करा थे, उसी भी कोयला खदान खोड़ा थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ शासन प्रशासन से, देश को बैठे सत्ता पक्ष के नेता, हमारे हमारे प्रदेश को बैठे सत्ता के नेता, अबे वो सत्ता पक्ष के आला अधिकारी मन से निवेदन करना चाहूँ कि चाहे हमारे क्षेत्र तो उड़ा चुके हैं, हमारे क्षेत्र विनाश की ओर बढ़ चुके हैं, अगर और विकास चाहिए तो हमार जान घरों ले लो, लेकिन ऐसे हस्ते वरण्य क्षेत्र के जो अपन जुना कोल इंडिया ला देवा आओ, आओ एक प्राइवेट कंपनी ला दे दे के जो पर्यावरण नष्ट करके आने वाला भविष्य काला करे के जो योजना चलाते हो तत्काल बंद कराओ। आओ ये जन सुनवाई तब तक जन सुनवाई नहीं माना जाए जब तक एक जितना मन के अपन दर्द पीड़ा लगो चाहिए तो का एक एक विषय मकान चिंतन करते हुए मन के हल न निकाला जाए तब तक एक घोर विरोध है। और आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इंग्लिश में कैसे पढ़े हम उस रिपोर्ट को, वो भी भाषा पर मैडम वो पढ़ी लिखी होंगी बाहर से आई है, वो उनको सब पता है इंग्लिश में क्या है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मिट्टी भूज करेंगे, मिट्टी कटाओगे, एक वजह से जो प्रभाव पड़े थे भाई यहाँ के पर्यावरण ला, ये बहुत ही गंभीर विषय है। साथ ही मैं आप बताना चाहूँ कि लगातार हमारे जो फ्लाई एश की समस्या है पर्यावरण क्षेत्र में, हम यहाँ बैठे है मिस्टर साहब उगर समक्ष, साथ ही हम कोरबा कलेक्टर के सामने हम शिकायत कर रहे हैं की कोरबा जिला पूरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं और कोई भी नया उद्योग के नया विस्तार के अनुमति न दिया जाए। भाटा में जो भाटा बना हुआ है काफी सारा बड़ा भाटा है, वो फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पे हजारों की संख्या में मकान बना रहे हैं अवैध तरीके से, और उसका पैसा आप एसएससीएल के द्वारा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बुलडोजर कर रहे हैं, उनको पहली बार मकान बनाए नहीं देना चाहिए था, और उसके बाद फिर एसएससीएल मुआवजा दे रही है, कितनी एसएससीएल मतलब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है करोड़ों रुपए में, तो ये बोलता हूँ इसमें सीबीआई की मांग, सीबीआई की जाँच होनी चाहिए, मतलब इतनी बड़ी गलती एसएससीएल प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सड़क की स्थिति इतनी खराब होने के कारण इतने धूल और डस्ट से पूरे क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं, आज हमारे हरदी बाजार हो चाहे मलगांव हो चाहे अपना सैनी सुधार हो चाहे रलिया हो चाहे उमेरी भाटा हो चाहे अपना गेवरा बस्ती हो चाहे नरई बोध हो चाहे अपना मेलाई बाजार हो, आप चले जाइए जिस क्षेत्र में चले जाएंगे एक ब्लास्टिंग होता है तो पूरा क्षेत्र जो है धुएं धुआं होगा। पर्यावरण को शुद्ध करना है, आप लोग पौधा लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, ये वन विकास निगम वाले जो वृक्ष लगा रहे हैं ये ऐसे वृक्ष है ना फल देता है ना फूल देता है, सिर्फ जो है जैसे बेसन को लगाया जाता है उस प्रकार से लगाया जा रहा है, बढ़िया फलदार वृक्ष लगाएं जिससे क्षेत्र के लोगों को फायदा हो, उससे परिवर्तन हो पर्यावरण में। आज हमारे क्षेत्र में दमा खांसी जैसे असाध्य रोगों में लोग ग्रसित हो रहे हैं, बाल झड़ना, बीपी शुगर होना, ये सामान्य बीमारी हो गई है, ये सिर्फ जब से खदान आया है, खदान से उड़ने वाली जो धुआं है उस धुआं के कारण में, उस वस्तु के कारण में और सड़क में चढ़ने वाली जितने भी वाहन है उससे जो उड़ने वाली धूल है डस्ट है उससे ये बीमारी हो रही है, उत्पन्न हो रही है,
परिवार और ये जो टेक्निकल चीज है ये गाँव वाले भी समझे जाने अपने विरोध बात करके जरूरी है। इसलिए भविष्य में आपको जहाँ भी जन सुनवाई हो उसे पारदर्शी पूर्वक हिंदी में इस कॉपी को गाँव वालों को भर के जिससे को समझ सके उसको और सही ढंग से अपनी बात हो सके। गाँव वाले आपके खदान विस्तार के विरोध नहीं है लेकिन जो नियम है उसको आपको सही ढंग से पालन करना चाहिए। रही बात रोजगार की तो गाँव वाले पर्यावरण में केवल आपका जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण नहीं है ये सामाजिक प्रदूषण आप लोगों को लाके रखा हुआ है और इतना ज्यादा फैला हुआ है कि लोग इतने आक्रोशित है मत पूछे और इसका प्रमाण आप ही रोक दे रहे हैं। इतनी संख्या में आप पुलिस बल यहाँ बैठा के रखे हैं इसका कारण यह है आप जानते हैं कि माहौल बिगड़ सकता है। हर दिन हर सप्ताह हर महीना कोई ऐसा महीना कोई ऐसा दिन कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता जहाँ पे भू स्थापित अपने अधिकारों के लिए किसान अपने हक अधिकारों के लिए स्थानीय लोग संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो लेकिन एसीसीएल प्रबंधन अपने आंखों में पट्टी बांध के अपने कान में रुई डाल के ये सोचता है कि लगातार पर्यावरण स्वीकृति मिलती रहेगी क्षमता विस्तार होता रहेगा कोयला प्रबंधन कोयला उत्पादन बढ़ता रहेगा हम नाम कमाते रहेंगे हमको डिविडेंड मिलता रहेगा हमारे जो कर्मचारी एरियस बोनस पाके नौकरी करके 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है जहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति छत्तीसगढ़ लोगों के प्रति और यहाँ के जो भू स्थापित है जो किसान जिन्होंने अपनी जमीनें दी है उनके प्रति इनकी जवाबदारी बनती है और इनको जवाब देना होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आप आते हैं निश्चित तौर पर खदान का विस्तार होना चाहिए क्षमता का विस्तार होना चाहिए लेकिन स्थानीय लोगों की लाश के ऊपर अगर एसीसीएल प्रबंधन सोचता है कि वो कोयला उत्पादन कर लेगा हम भी चाहते हैं कि देश को कोयला मिले हम भी चाहते हैं कि देश की जो ऊर्जा की जरूरत है वो पूरी हो बिजली का उत्पादन हो हम चाहते हैं लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आप स्थानीय लोगों के हकों को मारकर कोयला उत्पादन करें। इनके माइनिंग प्लान में तीसरे माइनिंग प्लान में अभी जो इन्होंने प्रपोज किया लोग ये बता रहे हैं कि 44.99 मिलियन टन जो कोयला डिस्पैच हुआ है उसमें से लगभग 25% कोयला ये वॉशरीज को और बाई रोड ये लोग डिस्पैच करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आप अधिकारियों से कि ये जो क्षमता विस्तार किया जा रहा है निश्चित तौर पे चलिए 25% नहीं मान लेते तो कम से कम 20% कोयला ये बाई रोड डिस्पैच करेंगे। पिछले एनवायरमेंट क्लियरेंस के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद इस पर्यावरणीय स्वीकृति तक इन्होंने कितनी नई सड़कें बनाई है सबसे पहली बात इस चीज का ये अधिकारी जवाब दें यहां पर उसके बाद पर्यावरणीय नगर पालिका परिषद दिपका के लोग धूल डस्ट में मरने को छोड़ दिए गए। नगर पालिका दिपका परिषद के बीच से एसीसीएल गेवरा प्रबंधन से निकली हुई भारी वाहन कोयला डिस्पैच करने वाली गाड़ियां कोयले को लेके आ रही है जा रही है प्रदूषण फैला रही है वहां के वातावरण को खराब कर रही है दुर्घटना के लिए माहौल बना रही है। किस चीज के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए आपको? पिछली जो पर्यावरणीय स्वीकृति थी उसमें यह सबसे बड़ा बिंदु है इसका पालन कहां है? 1,00,000 लोग उस सड़क से प्रभावित है। मंत्रालय अपने एनवायरमेंट क्लियरेंस में लिख के देता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गोल थ्रू एग्जिस्टिंग रोड पासिंग थ्रू एनी विलेज शुड बी अवॉइडेड। या तो फिर आप जितना को विलेज नहीं मान रहे हैं या तो फिर आपको आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। पेपर में लिखा हुआ है कि 500 मीटर से दूर में और 100 मीटर से दूर यदि कोई घर है तो वहां पे आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं लेकिन मेरे को ये अधिकारी लोग बताएं जो पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए आए हैं आपको यहां पर मैं खड़ा कर दूंगा और आपसे 100 मीटर की दूरी पर अगर मैं यहां पर हैवी ब्लास्टिंग करूं और उस क्षेत्र में आपको रहने बोलूं अपने बाल बच्चों को वहां पर पालन पोषण करने के लिए बोलूं तो कितने एसीसीएल के अधिकारी हैं जो माहौल में उस वातावरण में रहने के लिए तैयार होंगे? एक अधिकारी पहले नाम लिख के दे दे उसके बाद आगे पर्यावरणीय सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको 10 फॉगिंग मशीन यहां पर लगाते हैं। एसीसीएल गेवरा में जितने इन्हीं के कर्मचारी हैं वो किसी 2 या 3 फॉगिंग मशीन के यदि नंबर बता देंगे और बता देंगे कि किस दिन कितने घंटे चला है तो मैं यहां पे पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाने में मैं खुद मदद करूंगा लोगों को समझाऊंगा।
इनके भ्रष्टाचार से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की पीढ़ियां खराब हो रही है, लोगों का के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये चीज इनको समझने की आवश्यकता है। हम कोयला उत्पादन के विरोध में नहीं है, क्षमता विस्तार के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि कम से कम ये जो हमारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो ये शर्तें हैं, कम से कम ये पूरी की जाए। यहाँ के लोगों को भी गरिमा के साथ, इज्जत के साथ रहने का पूरा अधिकार है, और इस चीज को स्थिति गेवा प्रबंधन को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले आए, लेकिन खदान चलाने में यदि आप लोगों ने इन शर्तों का पालन नहीं किया, आने वाले में बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, क्योंकि लोग जाग चुके हैं, लोग जाग रहे हैं, अपने अधिकारों को पढ़ रहे हैं। हमारे आदिवासी, हमारे भू स्थापित, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे अपने घरों में नियमों को, कानूनों को पढ़ रहे हैं। हो सकता है अभी हम बोलना नहीं सीखे, हो सकता है बोलने के लिए हमारे में हिम्मत की थोड़ी कमी हो, लेकिन आज भी जो कल गेवराय सीधे प्रबंधन के अधिकारियों को समझना होगा कि हमारे बच्चे निकलेंगे घरों से, किताबों को लेके निकलेंगे, इन एनवायरमेंटल कॉपियों को लेके निकलेंगे और पूछेंगे कि हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा हक कहाँ है। जन सुनवाई के नाम में सिर्फ और सिर्फ क्या झोड़ झाल कर देते हैं। कुछ आदमी किनारे से बोल दिए जाते हैं कि सफल हुआ, हाँ हमने पास कर दिए, कुछ लोगों को अपने पक्ष में ला गए, इसलिए घुमरा करके साइन करवा लेते और पारित करने के बाद हमें परमिशन मिल गई करती, तो ऐसा हम बोल नहीं रहे। कागज में गाँव गाँव जगहों और दुनिया भर के परिस्थिति देखूँ, छोटे छोटे लेकर मन है, जगह स्थिति सबसे बदतर है। एशिया के नंबर वन खदान हो किनारे हमारा छाती है, गर्व से गौरवित होना चाहिए कि नहीं, लेकिन उल्टा होते हैं। हमारी स्थिति सबसे बदतर हो गया, हमारे मालूम है हमारे कोयला पूरा की पूरा भारत रोशन होते, एक हमारा गर्व भी है। हमारा कोई भी कंपनी रोकने वाला नहीं, खनिज पदार्थ हमारे रोकने वाला लोहन हमारे आम से मानस यही मांग रहे थे कि जो भू स्थापित के जो निगम मांगे नौकरी से लेके आए पंची भाई है, जो पाँव से लथियार हो गए है, आज ही कलेक्टर दे रहे इसे कि मैं मृत्यु दंड चाहता हूँ, मुझे मरने का आदेश जारी करे करके होकर स्थिति पत्र पत्र आज तक वाला न्याय नहीं मिली सरकार। हमारा न्याय को उम्मीद मिली जब 70 जब 52.5 मिलियन टन खदान के है, तो इतना प्रदूषण है, तो सोच सकता था कि 70 मिलियन टन हुई तक प्रदूषण कम हुई, अभी विचार उत्तर से आगे खदान में घूम सका था, स्थिति बस से बदतर हो गए। और यहाँ के जो प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार जो ऐसी चेयरमैन अपन कवर बना के दे है, उमन ले गलत ढंग से मन पेमेंट ले लेके मन उमन के हाथ पर हाथ में खड़े रहते हैं, एक बात पहुंचे पूरा प्राइवेट कंपनी संरक्षण दे के और आम मजदूर मन के खून ल चूस के एवं अपन कंपनी बना लेते हैं एसीसीआई के अंतर्गत में, जैसे की एसीबी कंपनी तमाम कंपनी है, आज शिकायत करने जो एसीसीआई ऑफिस में कि फलाना कंपनी ने ये किया करके, तो इन्होंने मुंह से कहीं कंजन जा रही थी अफिसर मन के कहा है, कारण सिर्फ ये है कि हम पैसा कहीं ना कहीं नीचे से पैसा आज हुई, मैं आरोप नहीं लगा दू क्योंकि आरोप बंद थे। आज जो पब्लिक हियरिंग हुआ है तो गेवरा परियोजना का विस्तार 52.5 से 70 MTPA के लिए हुआ है, और इसमें हम लोगों ने अपना प्रस्तुत रखा, पक्ष रखा, इसके साथ में भी बाकी सभी जो प्रभावित गांव के 23 विलेजेस के जितने भी हमारे अफेक्टेड पर्सन और अदर एरिया के भी जो सभी ने अपने पॉइंट्स रखे, और हमको लगा है कि जो हम ये काम कर रहे हैं, जो हम ऊर्जा के स्रोतों की प्रदान करने के लिए जो कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी लोगों की एक ही राय थी कि ये परियोजना का विस्तार होना चाहिए, परंतु उसमें कुछ कुछ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे, जो कुछ कमियां हम लोगों में है, उसको हम लोग जरूर अवश्य पूरा करेंगे, और पूर्ण विश्वास के साथ है कि यहाँ इस परियोजना से आने वाले दिनों में यहाँ की जनता को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इतना मैं एज ए प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू। प्रभावितों ने काफ़ी विरोध किया सर? काफ़ी लोगों ने विरोध किया, पर हम लोगों ने नहीं, कुछ कुछ गलत फहमियाँ थी लोगों में, जिसको हम लोगों ने लास्ट में आपका एंसर भी दिया है, और भविष्य में भी अगर कुछ ऐसे है तो हम लोग उसको, अगर हम लोगों में कमी तो हम लोग उसको जरूर पूरा करेंगे।